हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। ये वैकेंसी निकल के आई है, ग्रुप बी एंड सी दोनों ही टाइप के पोस्ट रहेंगे। इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसका जो अप्लाई करने का डेट है 18 मई रहेगा, लास्ट डेट आपका 16 जून यानी 16 जून रहेगा। पर आपको 16 जून तक इंतजार नहीं करना है, 18 से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाता है आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। फॉर्म की जो फी है ना, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी 100 रुपया लिया जाएगा, SC ST कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स, टोटल 14 टाइप के पोस्ट है, तो अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट और सीट क्या क्या रहेगा हर पोस्ट का। देखिए, पहला पोस्ट है हमारा SI यानी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए GNM। एज लिमिट है 21 वर्ष से 30 वर्ष, इसके लिए सीट 14 रहने वाला है। दूसरा पोस्ट ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए लैब टेक्नीशियन की है, इसका जो क्वालिफिकेशन है लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए। 18 वर्ष से 25 वर्ष उम्र सीमा है और इसके लिए 38 यानी 38 पोस्ट रहेगा। थर्ड है ASI फिजियो के लिए, इसमें आपको फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए, 20 वर्ष से 27 वर्ष एज की लिमिट है, 47 पोस्ट रहेगा। फोर्थ पोस्ट है सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक का, डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से और मैक्सिमम एज आपका 30 वर्ष होना चाहिए। टोटल पोस्ट इसके लिए 3 रहेंगे। उसके बाद कॉन्स्टेबल OTRP का है, ITI इन रेस्पेक्टिव ट्रेड या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 वर्ष से 25 वर्ष उम्र सीमा है और एक पोस्ट रहेगा। कॉन्स्टेबल SKT का भी सेम ही है, कॉन्स्टेबल फीटर, कॉन्स्टेबल कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, व्हीकल मैकेनिक, BSTS, अपहोल्स्टर एंड आपका इधर यहाँ तक जितना भी पोस्ट है ना, सबके लिए आपका ITI होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड से। कॉन्स्टेबल है अलग अलग ट्रेड का, ये सब कुछ आपको साफ साफ जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मिल जाएगा। इसके लिए आपको पता है कि या तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए या आपने ITI कर रखा। उम्र सीमा सभी पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष है। SKT के लिए 1 पोस्ट है, फीटर के लिए 4 है, कारपेंटर का 2 सीट है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का 1 है, व्हीकल मैकेनिक का 2 है और BSTS का यहाँ पर 2 सीट रहेगा, अपहोल्स्टर के लिए 1 सीट रहेगा। यहाँ पे जो 12 नंबर ऑफ सीट है यहाँ तक मैंने बता दिया। 13th है हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी का, इसके लिए फ्रेंड्स जिन्होंने भी 12वीं कर रखी है बायो से या फिर VLDA कर रखा है वो सभी बच्चे एलिजिबल है, 18 वर्ष से 25 वर्ष एज लिमिट है और 1 सीट है। कॉन्स्टेबल केलर मैल के लिए 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 पोस्ट है। ओवरऑल आई होप कि इसका जितना भी पोस्ट है सबके बारे में जानकारी आपको क्वालिफिकेशन, एज और सीट की हो गई होगी। टोटल पोस्ट काउंट करके देखेंगे तो 141 पोस्ट के लिए है। डजंट मैटर कि कितना सीट है, आपको अपने एक सीट से मतलब है आप इलिजिबल हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें और प्रीवियस ईयर का सेट लगा के एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दें। फिलहाल मैं आपको आगे बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, सिलेक्शन आपका 5 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। एट फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम होगा, सेकेंड स्टेज पर फिजिकल होगा, थर्ड स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेज को समझ लेते हैं, जो कि है एग्जाम पैटर्न। ऑफलाइन पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलता है। समय रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, जिसमें आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए,
लास्टली ट्रेड रिलेटेड, अब आपको पता है कि अलग अलग ट्रेड का है, तो जिस ट्रेड से आप हो, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उसका आपको 60 यानी 60 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन का होगा। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, जिसको क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हाइट की मेजरमेंट होती है। हाइट मेल का मिनिमम 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 76 टू 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो है, वैसे तो लिखा गया है कि हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन कोई भी फीमेल कैंडिडेट का वेट 46 केजी यानी 46 केजी से कम नहीं होना चाहिए। रनिंग होता है आपका मेल के लिए 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 11 फीट फॉर मेल एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट। हाई जंप जो होती है 3.5 फीट फॉर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल्स के लिए 3 फीट का रहेगा। तो ये आपका फिजिकल है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड आपका एक स्किल टेस्ट होगा, फिर डीवीएन मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, सर्व भी आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी करना पड़ सकता है जहां पर बीएसएफ आपका सीट अलॉट करेगी। तो सर्विस के दौरान सैलरी क्या मिलेगी, तीनों ही पोस्ट के लिए बता देती हूँ, सब इंस्पेक्टर की होगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड आपका कॉन्स्टेबल। एसआई की पोस्ट के लिए शुरुआती दौर में 35,400 रुपीज मिलते हैं, बाद में आपकी सैलरी 1,12,400 रुपीज हो जाती है। एएसआई के लिए 29,200 रुपीज से स्टार्टिंग होती है, आफ्टर पर्स अलाउंसेस आपकी सैलरी 92,300 रुपीज हो जाती है। वहीं पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए शुरुआती दौर में आपको 21,700 रुपए दिए जाते हैं, सैलरी जब आपकी इंक्रीमेंट होती है तब आपकी सैलरी 69,100 रुपीज हो जाती है, मतलब 70,000 के करीब हो जाती है। आई होप तीनों टाइप के पोस्ट के लिए सारी डिटेल आपकी अब क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो टेंशन नहीं ले लें, कमेंट करना है, वहां पर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दी जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।